वेलकम टू इजी केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट। हमारा सॉल्यूशंस ये चैप्टर चल रहा है, तो इस चैप्टर में आज हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये पढ़ने वाले हैं। तो इस पर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये पहले देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की मदद से सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। और एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है और 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो चलिए हम इसका आंसर एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे कि एक सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे तैयार होता है? सपोज आपने सॉल्वेंट लिया और उसमें आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया और आपको क्या मिला? सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्वेंट आपने सपोज कितना लिया, W1 ग्राम इतना लिया और सॉल्यूट कितना लिया, W2 ग्राम, तो आपको सॉल्यूशन मिला है। और हमको यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोलार मास भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि हमको मोलार मास कैलकुलेट करना है। ऊपर जो दिया गया है ये गिवन मास है, ये वाला गिवन मास है। तो मोलार मास सॉल्वेंट का हम कितना कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट है यानी 1 और मोलार मास का सिंबल एम, कैपिटल एम, एम 1 और सॉल्यूट का मोलार मास M2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर M2 कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जिसका सिंबल है ΔTV, इसके लिए फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में तैयार किया था। ΔTV इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ΔTV इज इक्वल टू KB, मोलैलिटी का सिंबल क्या है, स्मॉल m। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको पता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मोलैलिटी यानी m के लिए क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। मोलैलिटी जिसका सिंबल m है इज इक्वल टू क्या है, मोलैलिटी की डेफिनेशन लास्ट टाइम हमने देखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए हमारे पास सिंबल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल n और सॉल्यूट के मोल्स है इसलिए 2, तो n2 हो जाएगा, n2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब यहां पर देखो बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दिया हुआ है और अभी हमने यहां पर
सॉल्वेंट का जो मास है, देखिए इसको W1 ग्राम ऐसे कंसिडर किया है। तो हमको यहाँ पर ये जो W1 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक मास ऑफ सॉल्वेंट का यूनिट किलोग्राम में है। तो यहाँ पर हमने ग्राम कंसिडर कर रखा है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इधर 1000 ग्राम, किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट की। 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ओके। तो फिर हमने यहाँ पर सॉल्वेंट कितना कंसिडर कर रखा है, W1 ग्राम। सॉल्वेंट इज इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, ओके। तो आप यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस तरह से, W1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, W1 इंटू 1 यानी कि W1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब ये जो वैल्यू हमको मिली है, ये वैल्यू हम कहाँ पर पुटअप करेंगे, यहाँ पर पुटअप करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। हम यहाँ लिख देंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ओके। तो चलिए हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। M इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखिए, N2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कितना लिखेंगे, W1 अपॉन 1000 किलोग्राम। और N2 यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों, मोल, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है पहले से ही। हम लिखेंगे वी नो, हमें पता है N2 इज इक्वल टू, N2 का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना कंसीडर किया है हमने, W2 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट M2। तो N2 की वैल्यू हो गई W2 अपॉन M2। ये N2 की वैल्यू हम कहाँ पर पुट अप करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, ये वाला इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, M इज इक्वल टू, N2 की वैल्यू हम क्या पुटअप करेंगे, W2 अपॉन M2
डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन अपॉन 1000 किलोग्राम और डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, यहाँ पर ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो उसका जो यूनिट है एज इट इज हम रखेंगे यहाँ पर मोल। ओके चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। एम यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू मोल मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो उसका इन्वर्स होगा, यानी यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको 1000 अपॉन डब्ल्यू वन, ये समझ में आ गया आपको। और जो किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पर किलोग्राम, ठीक है। तो अब यहां पर इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन, यूनिट क्या लिखेंगे मोल पर किलोग्राम। ओके अब ये एम की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट अप करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन हमारे पास देखिए मौजूद है डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की जगह पे हम क्या रखेंगे ये वैल्यू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये वैल्यू हमने यहां पुट अप की है। अब आपको यहां पर एम टू कैलकुलेट करना है बच्चों, तो हम यहां पर एम टू और डेल्टा टी वी ये दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं एम टू इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू एज इट इज इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू की जगह पर क्या आएगा डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू वन, ये हमारा बच्चों फाइनल इक्वेशन है जो हमको डिराइव करना था। ओके तो अब यहाँ पर आपको हर एक की मीनिंग क्लियर कर देना है। देखिए एम टू क्या है, व्हाट इज एम टू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज के बी ये कि कांस्टेंट है इसका नाम एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसके बाद डब्ल्यू टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी का मतलब क्या है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम पर इस फॉर्मूले पर बेस्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो आप अगला वीडियो मिस मत कीजिए। और आपको ये वीडियो अगर समझ में आया है, मेरा लेक्चर अगर समझ में आया है, तो कॉमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने लास्ट तक इस वीडियो को वॉच किया है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।